हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग टू एक्सप्लोर पर। और आप सबके लिए लेके आ गया हूं बिल्कुल एक नई वीडियो जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे श्री माता वैष्णो देवी जो कि सिचुएटेड है कटरा में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं आज की जर्नी स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हम दिल्ली से चलकर पहुँच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर, जो कि जम्मू में सिचुएटेड है। और ये हम आए हैं वंदे भारत से। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कटरा का स्टेशन है, बहुत ही साफ सुथरा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है वैष्णो देवी का भवन, इसके पीछे की तरफ है। दोस्तों, हम यहाँ पे शाम को पहुंचे और अगले ही दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी भवन के लिए। तो ये हमने यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर दी है, और स्टार्टिंग पॉइंट को बोला जाता है बाणगंगा। यहाँ से अराउंड आपका 14-15 किलोमीटर्स का दोस्तों पैदल डिस्टेंस है भवन तक। दोस्तों, काफ़ी सारे विभिन्न माध्यम हैं, अगर आपको चलने में तकलीफ है तो यहाँ पे आप पालकी को उपयोग कर सकते हैं। ये छोटे आपको कार्ट्स भी देखने को मिल जाएंगी, घोड़ा गाड़ी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने चूज़ किया पैदल जाना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक सफ़र है। नीचे आप कटरा सिटी का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। सुबह 5:30 बजे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की, और धीरे धीरे श्री माता वैष्णो देवी का भजन गाते हुए, नाम लेते हुए आप अपनी यात्रा को यहाँ से आरंभ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको यहाँ पे घोड़ा, खच्चर, पालकी मिल जाएगी। साइड पर बहुत सारी आपको दुकानें जैसे कि चाय, पानी, खाने पीने की सामान की आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं पालकी 3 से 4 लोग उसको कैरी करते हैं, और सबको आप देख सकते हैं सबकी चाल एकदम बिल्कुल बराबर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, जैसे ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पे बनवाना पड़ता है परमिट एंट्री कार्ड, जो कि हर यात्रा जो भी करता है उसके लिए आवश्यक है। ये आप जम्मू कटरा स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड और एक आपकी फ़ोटो होगी उसको आप देकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी लकड़ी का डंडा या फिर आप अच्छे से यहाँ पे कंफर्टेबल कपड़े भी पहन के यात्रा को आरंभ करें, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी दुविधा ना हो। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग इसी तरह जाते हुए, बहुत ही पहाड़ों का सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे जगह जगह आपको हनुमान जी की सेना, वानर भी देखने को मिल जाएंगे। यात्रा को बहुत ही आरामदायक तरीके से बहुत ही धीरे धीरे स्टार्ट करें, और आपको जगह जगह पे यहाँ पे टॉयलेट्स, वॉशरूम और पानी पीने के साधन, काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें बहुत ही आरामदायक मिल जाएंगी। पूरा ये एरिया कवर कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आकर दोस्तों दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है सीधा भवन की तरफ जो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 5.5 किलोमीटर है, और एक जाता है अर्थक्वारी की तरफ। वहाँ से होते हुए अगर आप भवन जाना चाहते हैं तो उसका डिस्टेंस अराउंड 6.5 से 7 किलोमीटर है। हमने चूज़ किया सीधा भवन के जाने का। ये आप देख सकते हैं ट्रॉली सर्विस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, बहुत ही मनमोहक नज़ारा है, बहुत बड़े बड़े पहाड़, और ये सामने आप देख सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी जी का भवन, बहुत ही सुंदर, अपने आप में अद्भुत भी है। अभी भी जहाँ से मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का हमारा रास्ता अभी बचा हुआ था और इसको हमें कवर करना था, और चल पड़े हैं फिर से आगे अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, जब भी आप वैष्णो देवी आए तो दोस्तों यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर श्री भैरव बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे आप जाना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रेणी बोर्ड की व्हीकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सारा लॉजिस्टिक सामान मूवमेंट करते हैं। भवन में दोस्तों आप अंदर का व्यू नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको अपना कैमरा बिलोंगिंग्स वहाँ के श्रेणी बोर्ड के लॉकर्स में जमा करना पड़ता है। और ये आप ट्रॉली सर्विसेज का भी लुत्फ़ यहाँ उठा सकते हैं,
इसका 300 से 400 रुपये नॉमिनल फेयर है। इसको आप देख के वैष्णो देवी से आप भैरव बाबा जी के मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे होटल्स और अगर चीपेस्ट में आप देख रहे हैं तो धर्मशालास आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं और खाने पीने का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं, तो आप बहुत रीजनेबल प्राइस में भी अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। छोटा सा दोस्तों ये झलकी थी, मैं होप करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जय माता दी बोलकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी की।